बुलंदशहर हॉस्पिटल में हंगामा व जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में हॉस्पिटल स्टाफ में मरीज के तीमारदारों में जमकर मारपीट होती नजर आ रही है। वीडियो में दबंग राइफल तानते व महिलाओं से भी मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के दौरान महिला मरीज को दर्द होने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ व मरीज के तीमारदारों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मारपीट की पूरी वारदात हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला बुलंदशहर के ककोर थाना क्षेत्र के झाझर रोड स्थित हॉस्पिटल का बताया जा रहा है। मामले को लेकर एसएसपी संतोष कुमार सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जाँच पड़ताल कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना ककोड़ के राणा हॉस्पिटल में नर्सिंग होम है, एक महिला पेशेंट को इंजेक्शन लगाने के विवाद में महिला जो हॉस्पिटलाइज थी उसके परिवारजनों द्वारा जो नर्सिंग स्टाफ और हॉस्पिटल का स्टाफ था उसके साथ मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस प्रकरण में तत्काल मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। एक व्यक्ति उसमें असलहे के साथ था, असलहा थाने में दाखिल करा लिया गया है। उसके सख्त निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और विवेचक को इसमें निर्देश दिए गए हैं कि घटना के अनुरूप वैधानिक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित